हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ क्रोनोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ पीस साइकोलॉजी। सो स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ एंड व्हेन पीस साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड। So peace psychology emerged as a distinct field following World War II and during the Cold War era. Peace psychology जो है वो कैसे इमर्ज हुई, तो उसमें सबसे पहले जो क्रोनोलॉजी में हमारे पास इवेंट है या हिस्ट्री में जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे पीस साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है या वो किस तरह से इमर्ज हुई साइकोलॉजी से। सो अगर हम अर्ली इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो पीस साइकोलॉजी जो है एक अलग फील्ड के तौर पे वर्ल्ड वॉर टू के एंड में और कोल्ड वॉर जब हो रही थी उस वक्त पीस साइकोलॉजी पे जो है वो काम स्टार्ट हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर थिंकिंग और रिसर्च का वर्क स्टार्ट हो गया। हुआ क्या था, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वॉज अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन द US एंड द सोवियत यूनियन। बोथ साइड्स वर अफ्रेड ऑफ ईच अदर एंड बिल्ट अप ह्यूज आर्मीज एंड वेपन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर जो कि US और सोवियत यूनियन के बीच में हो रही थी, सोवियत यूनियन और US जो कि एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल थे उस टाइम पर, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए थे, जिसकी वजह से जो है दोनों नेशंस के बीच में एक लॉट ऑफ टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। दोनों जो नेशंस हैं वो एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, दोनों में वॉर हो गई थी। दोनों नेशंस जो हैं, क्योंकि वॉर हो रही थी, दोनों नेशंस जो हैं उन्होंने ह्यूज आर्मीज जो हैं वो बिल्ट अप कर ली थी, उन्होंने वेपन्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी फिर इस्तेमाल किया गया था एक दूसरे को मारने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जब जंग हो रही होती है तो उस वक्त दोनों नेशंस के बीच में हो रही है, तो दोनों नेशंस के साथ साथ जो दूसरी नेशंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। तो अब जो दोनों नेशंस हैं, दोनों नेशंस के जो लोग थे वो एक दूसरे से जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि क्या होगा, हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या हम में से कौन जो है वो इस जंग को जीतेगा। सो ये जो फेयर का एक पीरियड था, कॉम्पिटिशन का एक पीरियड था, इस पीरियड की वजह से जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हुए, या इस चीज़ को स्टडी करने पे उनका फोकस गया कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट कैसे जो है वो स्टार्ट होता है और किस तरह हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, या जो वॉर में होने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से हम पीसफुली रोक सकते हैं। मतलब ये कि जंग किए बगैर, लड़ाई किए बगैर हम कैसे पीसफुली बातों के ज़रिए एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए हम कैसे जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर सकते हैं, या वो कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो इस तरह से ये वो पॉइंट था जो कि पीस साइकोलॉजी की इमर्जेंस का बायस बना था, जो कि कोल्ड वॉर थी। उसके बाद अगर हम देखें क्रोनोलॉजी में, जो सेकेंड पीरियड है वो है फॉर्मेशन ऑफ पीस रिसर्च सोसाइटी। 1963 में फिर पीस रिसर्च सोसाइटी जो कि इंटरनेशनल है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जिसका फोकस जो है किस पे हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च रिलेटेड टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है, व्हाट डज इट मीन, जो पीस रिसर्च सोसाइटी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी उसका फोकस किस चीज़ पर था कि जो डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं, जो डिफरेंट फील्ड की जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए पीस को और कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना, किस तरह से पीस को जो है वो बिल्ट अप किया जा सकता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, दूसरी फील्ड्स की नॉलेज को यूज़ करते हुए इस बात को समझना कि पीस को कैसे बिल्ट अप किया जा सकता है और कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरी फील्ड से मुराद यहाँ पे क्या हो सकती हैं, जैसे साइकोलॉजी है,
सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी फील्ड की नॉलेज को यूज़ करते हुए पीस और कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें। ये उस पीस रिसर्च सोसाइटी का काम था या उसका फोकस था। साइकोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ वॉर एंड मैकेनिज्म फॉर प्रोमोटिंग पीस। डिफरेंट फील्ड के साइकोलॉजिस्ट और जो स्कॉलर्स हैं वो किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि वो जो है वॉर के जो कॉजेज हैं उसको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, वॉर के कॉजेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अपनी फील्ड में जो नॉलेज मौजूद है उसको यूज़ करते हुए किस तरह हम पीस को प्रोमोट कर सकते हैं, वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम पीस को बिल्टअप कर सकते हैं। तो ये जो है पीस रिसर्च सोसाइटी का फोकस था। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस। 1970s से 1980s के बीच में क्या हुआ कि इस पीरियड में जो रिसर्च है वो किस पर आ गई, मतलब ये कि पहले जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे जो है फोकस हुआ, मतलब जो है वो पीस रिसर्च सोसाइटी बनी 1963 में। फिर 1970s से 80s में जो है वो रिसर्च का फोकस किस पे हुआ कि जब कोई वॉर हो जाती है या जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एक इंडिविजुअल पे, एक सोसाइटी पर, एक नेशन पर, एक ग्रुप पर, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है वायलेंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, ट्रॉमा का, फैमिलीज पर, इंडिविजुअल्स पे वायलेंस, ट्रॉमा, कॉन्फ्लिक्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, उसको स्टडी करना जो है वो इस पीरियड में स्टार्ट हो गया। एंड डिवेलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। इसी के साथ साथ इस पीरियड में जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या हम किस तरह पीस बिल्डिंग कर सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज को डिवेलप करने पर भी इस पीरियड में काम स्टार्ट हुआ। स्टडीज एक्सप्लोर्ड टॉपिक्स सच एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेसेस एंड इंटरग्रुप डायनामिक्स। किस तरह से वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमा जो है वो इंडिविजुअल्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कॉज कर देता है, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेसेस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स, दैट वी कॉल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेसेस। तो इस पे भी स्टडी होना स्टार्ट हुई कि जो दो ग्रुप्स हैं, दो नेशंस हैं, उनमें जंग तो है, उनमें जंग हो गई है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक दूसरे से जो है वो बात नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरह से अब उनके बीच में ये जो रिलेशन ख़राब हो गए हैं इसको कैसे जो है वो हम रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे हम दो नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन, एक ट्रस्ट वाला रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो इस पे जो है वो स्टडी की गई। एंड इंटर ग्रुप डायनामिक्स, इंटर ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है कि एक ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं वो लोग जो हैं वो एक दूसरे को कैसे परसीव कर रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर किस तरह के हैं, उन लोगों की एक दूसरे के लिए थिंकिंग कैसी है, मतलब इंटर ग्रुप डायनामिक्स में हम स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन जो एस्पेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड पीस बिल्डिंग 1990s टू प्रेजेंट। 1990s एंड बियॉन्ड देयर वॉज अ शिफ्ट टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी परस्पेक्टिव्स इनटू पीस साइकोलॉजी, एम्फसिस ऑन फैक्टर्स सच एज एम्पैथी, फॉरगिवनेस, रेजिलियंस एंड सोशल कोहिजन एज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग पीस। पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड पीस बिल्डिंग मीन्स 1990s से अब तक जो है वो अब क्या काम हो रहा है, ये किस पे रिसर्चेज हो रही हैं कि पहले जो है वो पीस साइकोलॉजी जो है वो कैसे इमर्ज हुआ, उसके बाद जो है वो रिसर्चेज उस पर होती गई और जो है वो आज तक हो रही हैं। तो अब जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ 1990s के बाद अब तक जो है वो क्या हो रहा है कि जो पीस साइकोलॉजी है उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं
उसको जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप पीस को बिल्ड करना चाहते हो किसी भी नेशन में, किसी इंडिविजुअल में, किसी ग्रुप में, तो उसके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक एम्पैथी है, फॉरगिवनेस है, रेजिलियंस है, सोशल कोहिजन है, ये सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसका एक इंडिविजुअल में होना जो है वो पीस को बिल्ड कर सकता है बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन नेशंस, बिटवीन इंडिविजुअल्स। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पीस साइकोलॉजी में इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी ऑफ पीस साइकोलॉजी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।